दोस्तों, मेरा नाम अमित तिवारी और मैं ग्राम डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे यहाँ पे आके एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि हमारा देश 100% ODF फ्री हो चुका है और मैं एक HST फाउंडेशन की तरफ से ये भी आग्रह करूँगा कि मैं अपने गांव जाऊँगा, अपने शहर जाऊँ तो एक मैसेज लेके जाऊँ। गवर्नमेंट ने तो मूलभूत सुविधा दे दी आपको, स्वच्छता केंद्र बना दिए गए हैं, वहाँ पे आपको शौचालय बना के दे दिया गया है। देखो, अब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उनको डेली हैबिट मिलाना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये करूँगा कि मैं जो यहाँ पर देखा, यहाँ पर जो समझा, जो सीखा कि कैसे लोगों को जागरूक करना है, कैसे लोगों को बताना है कि आपकी स्वच्छता कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए, आपके आगे फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए, तो इसको एक नया प्लेटफॉर्म दूंगा अपने NGO की तरफ से कि वहाँ पर जाके मैं लोगों को जागरूक करूँ वीडियो के माध्यम से, एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। ये मेरा संदेश रहेगा। थैंक यू। हम दिल्ली घूमने आए हैं, नागपुर से हैं और हम यहाँ पे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र म्यूज़ियम देखने आए थे। ये बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, यहाँ की टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्टोरीज दिखाई है, मोदी सर के जो लेक्चर्स एंड ऑल सब पता चला, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पता चला और हम भी पूरी कोशिश करेंगे इस अभियान में अपना योगदान पूरी तरह से दें। एंड नाइस एक्सपीरियंस, थैंक यू। मैं सुशील कुमार जैन, मैं अध्यक्ष हूँ सेक्टर 18 मार्केट एसोसिएशन नोएडा और मैं नोएडा से यहाँ पर आज स्वच्छ भारत मिशन में जो काम चल रहे हैं और जो यहाँ पर एक आदर्श तरीके से एक स्थापना की गई है जिसमें कि सफाई के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है किस तरीके से हमें जो शौचालय हैं उनमें जाना है और जो खुले का शौच बंद किया गया है, भारत सरकार ने जो कार्यक्रम किए हैं उनको यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है और बहुत ही अच्छे एक क्विज का भी यहाँ पर जो दिया गया है जिससे कि हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हालांकि मैं भी स्वच्छ भारत अभियान में कई बार अवार्ड पा चुका हूँ और इस तरीके का जो मैं यहाँ पर जब आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतना अच्छा प्रबंध किया हुआ है और जो वीडियो दिखाए गए हैं जिसमें कि हम अगर बात करें भारत की तो भारत की आज़ादी से लेकर आज तक किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में काम हुआ है, जो कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के हाथ जो जिस तरीके से काम किए गए हैं उसमें ये दर्शाया गया है कि आज के समय में जो भारत है वहाँ पर अब जो खुले में शौच की व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज पूरे भारत में अब जो शौचालय का निर्माण हो चुका है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो कूड़ा है गीला और सूखा वो अलग लिया जाता है और जो आपके शीशा है इस तरह का है और जो झाड़ू है उसे लगाने से पहले पानी का छिड़काव करना है, तो पॉल्यूशन से मुक्त रखना है, पानी को साफ रखना है, एक दूसरे से किस तरीके से हमें व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं ये एक आदर्श स्थापना है स्वच्छ भारत को रखने के लिए और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह के ये प्रयास हैं ये आगे चलकर जो हमें जन्म से एक प्रयास में लेके आएंगे कि हम लोग साफ रहें, स्वस्थ रहें और इस स्वस्थ भारत मिशन में अब एक अपना जन्म से ही हम इसके भागीदार बने। क्योंकि जो हम देखते आए हैं, अगर हम पिछले समय की बात करें तो हमने देखा है कि लोग खुले में शौच जाते थे, लोग पटरियों पर बैठकर शौच करते थे और आज जब स्वच्छ भारत के मिशन के बाद जो जिस तरीके से हर शहर में जो जिलाधिकारी हैं, जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उससे हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोग एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे, हम अपनी सिविलाइजेशन में जो सभ्यता है उसको फिर से एक आगे आकर प्रूव करेंगे कि हाँ ये एक स्वच्छ देश है और इस देश में किसी भी तरीके की स्वच्छता के प्रति जो भी गलत तरीके हैं वो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हुसैन मिर्जा, एडवोकेट, मिस्टर माइनुद्दीन अंसारी इज अ डॉक्टर, कॉन्सलर डॉक्टर मिगंका अरमीन। ओके, तो हम दिल्ली के कुछ काम के सिलसिले में आया है और जो मोदी जी का जो स्वच्छ भारत मिशन देखा बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुश लगा, बहुत गर्जियस एंड अपडेट थिंग्स है ये, तो हमारा दिल बह गया और मोदी जी का जो काम है इंडिया के लिए वो जो कर रहा है हर गरीब के लिए सबके लिए वो बहुत ही अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लगा। ओके,
और ये म्यूजियम ये भी एक्सेलेंट है, मार्वेलस है और हम लोगों की दिल बहल गया। ओके, अब कुछ मृगंक आर्मीन वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये डॉक्टर साहब है माइनुद्दीन अंसारी। थैंक्स ऑल वेरी मच। ओके थैंक यू। माय नेम इज नरसिंह पप्पई, आई एम फ्रॉम केरल। എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നദികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഓരോ ജീവനും തുടിക്കുന്നത് നദികളിലൂടെയാണ്. ആഴ്ചയിലൊരു ദിവസം നമ്മൾ കൂട്ടം കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയ വിധത്തിൽ നദികൾ ശുചീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഭായ് ജാവേദ് ഭായ്, സ്വച്ഛത സ്വച്ഛത സ്വാസ്ഥ്യക്കലേ അത്യന്ത ജരൂരി ഹേ ഓർ അഭിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിനെ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उसके लिए जो अभियान चलाया है उसके लिए हम उसको अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। लगभग भारत में 75% तो लोगों के घर में शौचालय बन गए हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। मेरा नाम शिवम है, मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के भाईला खुर्द गाँव से आया हूँ और यहाँ पे मैं स्वच्छता केंद्र के म्यूज़ियम में आया हूँ और जहाँ पे मैंने देखा कि सरकार ने पिछले 5 सालों में 2014 से 2019 तक कैसे हमारे गांव में हमारे देश में शौचालय बनवाए हैं, हर गरीब के घर में अब शौचालय है। मैं अपने गांव की बात ले लूँ तो उसमें मैंने बहुत बार देखा कि शौचालय ना होने से जब महिलाएँ बाहर शौच करने के लिए जाती थी तो बहुत सारी उनके साथ गलत घटनाएँ घटित हो जाती हैं। तो जब से मोदी जी ने और सरकार ने यहाँ पर शौचालय बनवाए हैं तब से वो घटनाएं बहुत कम हो गई हैं, ज़ीरो ज़ीरो ही हो गई हैं और सबके अब घर में इज्जत घर के नाम से शौचालय बन गए हैं। और अब ये है कि जब घर में जब सोच वो बाहर नहीं जाती है तो गांव के आसपास साफ सफाई भी रहने लगी है। ये डिजिटल एग्जीबिशन है जो कि स्वच्छ भारत मिशन की सक्सेस स्टोरी को दर्शाता है, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और भारत में क्या क्या काम हुआ है वो आप देखने वाले हैं। ये 360 डिग्री रिवॉल्विंग थिएटर है, कहने का ये है कि जहाँ आप बैठे हैं ये सारा एरिया 360 डिग्री लेवल पर मूव करेगा। ये पूरा स्क्रीन है जिससे आप मूवी देखेंगे, पीछे 3 फिजिकल स्ट्रक्चर से जो आप देखेंगे। तो आई जस्ट होप आप सब एंजॉय करेंगे शो को, डिसिप्लिन रहेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे, राइट, और जो गंदगी फैलाएगा वो खुद उठाएगा। भगवान सिंह, मैं आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र आया हूं, यह आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां की डिसिप्लिन देखकर मुझे यह पता चला कि स्वच्छता भारत मिशन कैसे चल रहा है, इसे सफलता कैसे मिली। मैं भारत के प्रत्येक नागरिक से उम्मीद रखता हूं कि इस मिशन को और आगे बढ़ाएं और स्वच्छता को हर जगह अपनाएं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। प्रकाश कुमार पांडे, जिला सीधी से मध्य प्रदेश से आया हूँ। अल्लाह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उन्होंने महात्मा गांधी जी के संदेश को कितना व्यापक रूप में घर घर तक पहुंचा दिया। मैं इस फिल्म से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और चाहूँगा कि इसी तरह से और नए नए आयाम देते रहें हमारे माननीय प्रधानमंत्री। धन्यवाद। जय हिंद। कमिंग फ्रॉम आगरा, प्रधानमंत्री की मुहिम काफ़ी अच्छी है, सराहनीय है। इंडिया में जो पुराने समय से चलाया है उसमें कुछ बदलाव, नई मुहिम लेके आए हैं और मुहिम को सफलता बनाने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और जब आदमी अपने तन के लिए तो दवाई भी लेता है, सब कुछ लेता है, तो तन तो जब ही स्वस्थ रहेगा जब दवाई लेगा, पर हवा जब गंदी होगी तो तन कैसे स्वस्थ रहेगा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक, इतिहास में ये दर्ज हुई भारत की यात्रा। We are